बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों फाइनली एक और वीडियो लेकर आया हूँ और काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आ रही है, तकरीबन एक दो माह के बाद। ठीक है दोस्तों, शौकीन हज़रात के लिए। दोस्तों इस फार्म पर मैं जिस पर आया हूँ, यहाँ पर शौक भी है और फॉर सेल के लिए कुछ भैंसें भी अवेलेबल हैं, तो दोनों आप लोगों को माल दिखाएँगे इंशाल्लाह, शौक वाला भी और फॉर सेल वाला भी। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माल है, मैं देख चुका हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों का शौक पूरा होगा। और जो लोग ख़रीदना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की भैंसें, वो भी यहाँ से इंशाल्लाह आपको लोगों को अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पर मुझे इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो वैस भाई को जाता है सबसे ज़्यादा। एक मिनट वैस भाई, जी वैस भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया और वीडियो के लिए दावत दी। जी वैस भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं अपना। जी मेरा नाम अवैस विरक है, तकरीबन काफ़ी सारे लोग जानते हैं मुझे डेयरी के रिलेटेड, क्योंकि डेयरी का जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने में काफ़ी जो है ना वो मेरा हाथ है। और बेसिकली जो है ना मेन हम लोग ब्लैक गोल्ड को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें भैंसें हैं, गाय को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, भैंसों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बेसिकली यही एक जहन है हमारा कि दोस्तों तक जो है ना अच्छी से अच्छी ब्रीड लेके आए वीडियो के ज़रिए। नादर भाई का बहुत शुक्रिया जो इन्होंने टाइम दिया है, और इनका चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें सारे ही, और इनकी जो वीडियो है ना वो इनकी वीडियो को बेसिकली देख के जो है ना हमें इस चीज़ का शौक बना है और हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया है। शुक्रिया सर। इसके अलावा आप अपने ग्रुप के हवाले से बताएँ, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने ग्रुप पर। ग्रुप का स्टार्ट जो है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले किया था मैंने। अच्छा। और आपका चैनल देख के ही ग्रुप का स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जो है वो एक छोटी सी उम्र में नादर भाई ने माशाल्लाह इस लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर लिया है, इनकी ये फील्ड भी नहीं है और फिर भी इन्होंने जो है ना वो आप लोगों के लिए जो है ना इस पर इतना काम किया है, तो हम लोग तो इस फील्ड के बंदे हैं और हम लोगों ने इसीलिए इस फील्ड को जो है ना वो चुना है और आगे लेके आ रहे हैं हम लोग भैंसों को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा तरफ किया हमारे लिए। और डॉक्टर साहब जो बेसिक चीज़ है ना कि आप इस चीज़ पर काम किस तरह कर रहे हैं अपने फील्ड में, इस फील्ड में आपका जो मेन प्रोफेशन क्या है इस फील्ड में? इसमें बेसिकली मैं न्यूट्रिशन पर काम कर रहा हूँ, जानवरों की खुराक पर, मैनेजमेंट पर, और साथ जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीड के ऊपर लोगों को जो है ना वो लोगों का जहन बनाऊं कि ब्रीड पे लोग काम करें। ब्रीड जो है ना, अगर हमारे पास ब्रीड अच्छी होगी, हम लोग हमेशा जो है ना काम उस चीज़ पे करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी के चक्करों में होते हैं कि जानवर की तादाद बढ़ जाए, ये नहीं पता हमें कि एक हम लोग छोटी कट्टी से लेकर जब तक उसको भैंस बनाना है उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है और वो हमें 4 साल के बाद दे क्या रही है, 3 किलो दूध दे रही है टाइम का या 5 किलो टाइम का दे रही है। हम लोगों ने इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि जानवर जो है ना हम लोग 5 किलो से शुरू करें और 8-9 किलो पर टाइम पर लेके जाए जानवर को। डॉक्टर साहब इसके अलावा आप देखें, आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान में पता भी नहीं था नीली या नीली रावी, कोई जानता ही नहीं था तकरीबन ज़्यादा इस फील्ड में, अब में और पहले में अब क्या फ़र्क है? आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं। पहले लोग जो थे ना उन्होंने जो अपने पास ब्रीडिंग बुल रखे हुए थे ना उनसे सारा काम ले रहे थे, रेडी का काम भी उन्हीं से ले रहे थे, चारे का काम भी उन्हीं से ले रहे थे। आज जो है ना लोगों के अंदर एजुकेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा आ चुकी है, लोग एजुकेट हो चुके हैं इस हवाले से कि उन्होंने ब्रीड पे काम करना शुरू कर दिया है। असल में ये शौक होता है विरासत में जो मिलता है लोगों को, हम लोग विरासत से जो मिलती हैं चीज़ें उसको लेके चलते हैं। अगर हम लोगों ने अपने आप को बेहतर करना है तो अपनी ब्रीड को बेहतर करें। 5 साल पहले जो है वो इतना ज़्यादा शौक नहीं था लोगों को, लोग रूटीन से चला रहे थे, या मतलब पंजाबी में कहना चाहूँगा कि लोगों ने जो है ना वो डेरा डंडा चलाने के लिए अपने जानवर रखे हुए थे। अब जो है वो लोग बिज़नेस पर्पज़ पर इसको लेके आए हैं, बिज़नेस पे इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का ये वाहद बिज़नेस है जिसमें दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो सुबह के पैसे दूध के ख़त्म नहीं होने तो शाम को मेरे पास आ जाने, इसका सबसे बड़ा जो है ना वो फ़ायदा लोगों को यही है। इसीलिए लोग जो है ना 5 साल के बाद और आने वाले जो 5 साल हैं उसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर में कि हर बंदा जो है ना डेयरी में अपने आप को लेके आएगा। दूसरे नंबर पर हर बिज़नेस में जो है ना वो लोग मतलब टैक्सेस ये वो मामला होते हैं, हमारे इसके डेयरी के ऊपर जो है ना कोई टैक्स नहीं है हमें, और हम लोग फुल फ्लैज जो है ना आज़ाद तरीके से खेल सकते हैं, इस पर इनमें काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इसके अलावा ना एक और सवाल है मेरा कि आपका जो YouTube चैनल आप माशाल्लाह चला रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है जी, इस पर हवाले थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, आपका मकसद क्या है YouTube चैनल को खोलने का? बेसिकली YouTube चैनल इसलिए मैंने ओपन किया है, अवैस विरक के नाम से YouTube चैनल है, ये ओपन इसलिए किया है कि
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने जानवर बहुत अच्छे रखे हैं, सिर्फ हम लोग एक बंदे को उठा के बहुत ऊपर ले जाते हैं। हम मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने चैनल के थ्रू जो है ना लोगों को हर वो चीज़ दिखाऊँ जो उनकी ख्वाहिश है। हमारे मोस्टली जो है ना वो जो नेट के साथ जुड़े हुए बंदे हैं फेसबुक या यूट्यूब के साथ, वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई मतलब किसी और मुल्क में बैठा हुआ है। तो उनकी ख्वाहिश जो है ना कि उनको उनका जो एक मतलब शौक़ है कि डेयरी को बेहतर करना है और जानवर देखने का शौक़ वो पूरा करवाने का जो है ना मेन जेन है। और उस पर हम लोगों ने एक और चीज़, हम लोग फार्मर को एजुकेट करेंगे, कोशिश यही है। जैसे कराची में अगर 14 लाख भैंसें हैं ना, 14 लाख भैंसों पे सिर्फ 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि पंजाब में भी हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करवाएं कि हर फार्मर को जो है ना वो इंशाल्लाह हम लोग डॉक्टर बनाएंगे आने वाले वक्त में। बहुत अच्छी एफर्ट है डॉक्टर साहब आपकी, और इसके अलावा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपका चैनल अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे अभी काफ़ी और फार्म विजिट करने हैं आपके साथ, इंशाल्लाह देखेंगे आपके जो आपसे कुछ सीखेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।